हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जामपुर स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद नमस्ते कैसे आप लोग बताइए तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप लोगों ने होली भी बहुत अच्छे से मनाई होगी मनाई कि नहीं मनाई है समझाया तो बहुत था कि पढ़ लेना होली अगले साल मनाएंगे नौकरी के साथ वर्दी के साथ मनाना अगले साल होली इस साल पढ़ लीजिएगा <coughs> तो पढ़ाई किस किसने करी थी और होली किस किसने खेली यही बता दीजिए और फटाफट फड़ से आ जाएंगे सभी बच्चे सेशन को शेयर भी कर देंगे जैसे कि आपके सभी जो भी मित्रगण है जो तैयारी कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के एग्जाम की वो सभी क्लास में आ जाए और यहाँ पर एक शानदार सा सेशन आप लोगों का होने वाला है जिसमें आपको जनरल साइंस आप सभी जानते हैं आपके जीके जी एस लगाए तो पंद्रह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं जिसमें दस क्वेश्चन आपके मेजरली साइंस के होंगे आप लोगों के लिए तो वही हम चीजें जो है थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे उन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा सा नहीं बहुत ही अच्छा अच्छा तो जल्दी जल्दी से आ जाइए कैसे आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से आ जाएंगे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे सेशन के साथ और सेशन को अच्छे से बढ़िया से जानदार शानदार तरीके से शेयर जरूर कर दीजिएगा ये वो समय है जब आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आज कल परसों तरसो नहीं होने चाहिए अभी जो चल रहा है आप उस चीजों को पढ़िए अच्छे से रिविजन करिए और एक, एक पल को एक एक पल को सोच समझ के यूटिलाइज करिए वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये जो टाइम है आपको जब आप पेपर देने जाते हो और आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता तब तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हो और जब पेपर देके आते हो और उसके बाद में जो तो चीजें होती है और भी ज्यादा दुखदायी होती है तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो इसलिए जरूरी कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे अब जो ये जो समय है आपने इसकी तैयारी जो की है इसको सम्माहित करने का इसको एक बार समेटने का एक रिवाइज करने का वक्त आ चुका है तो बढ़िया से शानदार तरीके से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्वेश्चंस के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे बस आप लोगों को क्या करना है एक बार स्टेटस लगा दीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आप यूज करते हो चाहे आपका व्हाट्सएप हो इंस्टाग्राम एप भी और टेलीग्राम ट्विटर एंड ऑल जो भी चीजें आप यूज करते हो वहां पर आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे होंगे ठीक है हो सकता है आप लोगों ने पहले पढ़े भी हो ना भी पढ़े हो जिस बच्चे ने तैयारी करी होगी उसने थ्योरी पढ़ी भी होगी और जिसने नहीं करी है तो वो आप पढ़ लेगा कोई बात नहीं है ना हमेरा हाँ तुम्हारे रक्षक यहाँ पे बढ़िया शानदार तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो डब्ल्यू विजिट कीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा तो आप यहाँ से कर सकते हो ठीक है बच्चे तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं ज्यादा यहाँ पर हम बातें नहीं करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों से क्या पूछा गया देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आप लोगों का जो दिल होता है दिल ठीक है भाई उसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जो है आपके यहाँ पर वेसल होती है जो कैरी करती है ब्लड को दिल से अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाती है यानी कि दिल से जो है आपका जो रक्त है आपका वो हृदय से दूर लेकर के जाते कौन सी रक्त वाहिका होती है उत्तर दीजिएगा तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कुछ फैक्चुअल चीजें बताऊंगी जो आपके एग्जाम में बनती है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर तो सभी बच्चे जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा अगर आपने पता है नहीं पता तो भी तो देखिएगा होती 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 है होती है कैपिलरी होती है आर्टरी कैपिलरी नर्व होती है तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर मोस्टली जो बच्चों का आंसर आया होगा वो आर्टरी और विंस में से आएगा कुछ बच्चे कहेंगे विंस होती है कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे आर्टरी होती है क्योंकि आप लोग इसमें क्या हो जाते हैं बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा ओटा आपकी वींस होती आर्टरी होती है लिख लीजिएगा ये जो है आपकी आ, क्या करती है भाई ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हर्ट ठीक है भाई दिल से तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या भाई आर्टरी और ये कौन सा ब्लड जो है आपका कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू तो द ऑल बॉडी टिश्यू आपके दिल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर के जाती है और आपके शरीर के जितने भी आपके टिश्यू है ऑर्गन्स है वहां तक जो है इसे ये पहुंचाती है याद रखेगा तो यहां पे आपके बच्चे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा आर्ट्री चलिए ठीक है अच्छी बात है अगर मैं आप लोगों से पूछ लू कि इनमें सबसे छोटी कौन सी होती तो कैपिलरी का जो डायमीटर होता है जो कैपिलरी होती है आपकी ठीक है भाई इसका जो डायमीटर होता है सबसे कम होता है और अगर आपसे सबसे छोटी वाली पूछ ले तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर कैपिलरी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी क्या होती है आपकी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है बच्चे वो सबसे कम होता है इस वजह से होती है याद रखेगा ठीक है भाई एक होती है आपके आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरा का पूरा सिस्टम है आपका तो आपके थ्री चैम्बर हर्ट होते हैं आपके फोर चैंबर हर्ट होते हैं आपका टू होता है तो आपको मुझे एग्जाम्पल बताने हैं कि किन एनिमल्स या फिर आपको जो जो आप बताएंगे हाँ पर किन 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 में आपका होता है और किन में में है 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 आपका 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 टू होता होता थ्री और फोर चैंबर हर्ट होता है उत्तर दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा आपके चांसेस है कि यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताएंगे आप सभी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर फटाफट बताइएगा बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा आप लोगों का बताएंगे आप सभी मतलब आपको एग्जाम्पल देना है कि टू चैम्बर हार्ट किसका होता है थ्री चैम्बर हार्ट जो है आपके किन में होते हैं फोर चैम्बर तो मेरा जो दिल है उसमें चार चैम्बर है आपके याद रखिए यानी कि जो आपके ह्यूमंस होते हैं ठीक है भाई जो आपके एनिमल्स होते हैं मैमल्स होते हैं मैमल्स का जो हार्ट होता है आपका बच्चे उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं आपके चार होते हैं याद रखेगा ठीक है भाई टू चैम्बर हार्ट किसमें आ जाएंगे आपके फिशेस में होते हैं लिख लीजिएगा एम्फीबियंस में आपके जो आपके क्या हो जाएंगे थ्री चैम्बर हार्ट होता है जो आपके रेप्टाइल्स आते हैं इनमें बच्चे रेप्टाइल्स में ठीक है भाई आप मुझे ये बताइएगा जो आपका क्रोकोडाइल होता है क्रोकोडाइल सुना होगा ना आप लोगों ने बताएंगे आप सभी कि जो आपका क्रोकोडाइल होता है उसके दिल में कितने चैंबर होते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये होता है कि क्रोकोडाइल के जो है आपका फोर चैंबर हर्ट होता है याद रखेगा कितना होता है आपके चार चैंबर होते हैं याद रखेंगे आप सभी तो यहां पर जो है आप लोग ये कुछ पॉइंट्स याद रखेगा तो ब्लड में आपका क्या होता है दिल में आपका क्या अभी आपका ब्लड लेके जरा ब्लड की बात कर रहे हैं तो दो चीजें होती है आपकी एक होता है आप लोगों का यहां पर ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है आप लोगों का यहाँ पर ब्लड तो ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा भाई आपका विलियम हार्वे के द्वारा ठीक है लिखेंगे आप सभी अगर आपसे पूछ ले किसने जो है आपका पता लगाया था तो विलियम हार्वे ने लगवाया था लगाया था लिख लीजिएगा अभी मैं आपको इसके सारे पॉइंट्स बताऊंगी सारे के सारी चीजें तो वो सारे के सारे पॉइंट्स भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा ठीक है भाई बताइए याद रखेंगे आप सभी ब्लड ग्रुप अगर आप लोगों से पूछ ले किसके बारे में ब्लड ग्रुप तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप मेजरली सभी के सभी आपके कार्ल लैंड स्टीनर ने पता किए थे किसने भी आपके कार्ल लैंड स्टीनर था याद रखिएगा अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए अगर आपसे पूछ ले ब्लड ग्रुप ए को किसने जो है पता लगाया तो कार्ल एंड ने अगर आप लोगों से पूछ ले बी का किसने पता लगाया ब्लड ग्रुप ए होता है आपका बी होता है ओ होता है इन सभी का जो पता लगाने वाला व्यक्ति था वो था आपका कार्ल थार अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि ब्लड ग्रुप जो होता है ये किसने पता लगाया था तो साइंटिस्ट का नाम जो है आपका चेंज हो जाएगा डी कास्टेलो और हैले जो है आपका नाम आएगा लिख लीजिएगा ठीक है भर लिखेंगे आप सभी डी कास्टेलो एंड स्टोरले लिख लीजिएगा ये आपकी स्पेलिंग है इनका नाम आ जाएगा ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कवक कवक यानी कि आपके जो फल

उनमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है मैंने पढ़ा है था और क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा आपको क्लोरोफिल मिलेगा और पौधों का रंग आपको कैसा दिखाई देता है हरा रंग दिखाई देता है तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्लांट्स का तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या भाई आपके दो किंगडम होते हैं ना आपके बेसिकली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फाइव किंगडम सिस्टम है आप लोगों का है ना पांच आपके जो है किंगडम बताए गए हैं हालांकि लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका सिक्स किंगडम आ चुका है आप लोगों का याद रखेगा लेकिन पांच वाला हम पढ़ते हैं बेसिकली आर एच विटेकर ने जो आपके पता लगाए थे उन पांच में से जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा सारे की सारी बहुत सारी चीजें होती है मोनेरा होता है प्रोटेस्टा होता है फलजाई तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर याद रखेगा पांच किंगडम सिस्टम है आपका ठीक है भाई पांच किंगडम होते हैं कौन कौन सा होता है आपका मोनेरा होता है प्रोटिस्टा होता है आपका फंजाई आ जाएगा आपका प्लांट आ जाएगा आपका और आपका एनिमलिया यानी कि एनिमल्स वाला आ जाएगा ठीक है जी तो ये आपके पांच होते हैं होता है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है आपसे वो ये पूछा है कि जो ये होते हैं आपकी फंजाई होती कवक ये पौधों से किस प्रकार से अलग होती है तो इसमें क्या नहीं होता है बच्चे ये आप लोगों से पूछा गया तो याद रखेगा इसमें जो है आपका क्लोरोफिल नहीं होता है क्या नहीं होता है आपका क्लोरोफिल नहीं होता है लिख लेंगे आप सभी क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा आपको प्लांट से मिलेगा और उसमें क्या होता है आपका इसमें जो है आप लोगों का मैग्नीशियम पाया जाता है याद रखिएगा ठीक है भाई पूछा जाता है आप लोगों से कौन सा जो है एलिमेंट आपको मिलेगा क्लोरोफिल में तो क्या लिख के आएंगे आप सभी मैग्नीशियम करके आएंगे लिख लीजिएगा ठीक है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट देखिए लिम्फोसाइट होते हैं आप लोगों के आपसे पूछा गया है कि लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो बढ़िया बढ़िया बातें बता रही सुन लीजिए या आपके काफी ज्यादा काम आने वाली चीजें ध्यान से सुन लीजिए ठीक है ध्यान से तो आप सभी जानते हैं आपका जो रक्त होता है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आपके ब्लड की बात कर रहे हैं ब्लड ठीक है आपका जो खून होता है उसमें और भी कई सारी चीजें होती है क्या आप जानते हैं खून में क्या क्या होता है आप कहेंगे प्लाज्मा होता है आपकी जो है प्लेटलेट्स होती हैं और आपकी जो है ब्लड सेल्स होती हैं तो देखिएगा एक तो आपका बेसिकली प्लाज्मा आ जाता है यहां पर एक आपका आरबीसी होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे आरबीसी एक आपके होते, है, होते हैं डब्ल्यू और एक आपके होते हैं यहाँ पर प्लेटलेट्स ठीक है भाई प्लेटलेट्स होते हैं तो ये जो है आपकी चार चीजें बेसिकली आप लोग पढ़ते हो पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो अब इसमें आपसे अगर ये पूछ ले कि आपका जो रक्त है आपका जो खून है उसमें नाइनटी चीज क्या होती है तो याद रखेगा नाइनटी जो है आपके प्लाज्मा में क्या होता है बच्चे आपका याद रखेंगे वोटर होता है क्या होता है आपका वोटर और 55 परसेंट जो है आपकी ब्लड की वॉल्यूम होती है ठीक है तो इस प्रकार से जो है आपका क्लासिफिकेशन रहता है ब्लड का तो ये जो है आपका क्या काम करता है तो आरबीसी क्या करते हैं आपके ऑक्सीजन कैरी करते हैं याद रखेगा और जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को डिफेंड करते हैं ठीक है भाई तो इनमें तो जो है आपका ऑक्सीजनेटेड आप कहेंगे ऑक्सीजनेटेड होता है आपका WBC आपके डिफेंड करेंगे आपके शरीर को क्या करेंगे भाई डिफेंड करेंगे ठीक तो का का है तो डब्ल्यू बी सी का कार्य इसमें पूछा है देखेगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना बिल्कुल सही बात है व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं रक्षक का कार्य करते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर बी हेल्पर सेल होते हैं आपके टी हेल्पर सेल होते हैं ठीक है भाई ये जो है आपके प्रोड्यूस करते हैं याद रखेगा क्या बनाते हैं आपके एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल सही बात है आपका प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल तो क्या लगता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से बताइए और सेशन को सारे बच्चे शेयर भी कर देंगे भाई सभी जो है मिलकर के सेशन को शेयर कर दीजिए बताएंगे आप सभी यहां पर आपका क्या आंसर आ जाएगा एंटीबॉडी एंटीजन या फिर आपका व्हाइट ब्लड सेल जो है आपका आ, बनाते हैं बताइए क्या आएगा आपका जल्दी से बताएंगे आप सभी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इतना समझा दिया मैंने तो आप लोगों का आंसर भी आना चाहिए है ना तो लिंफोसाइड का मतलब क्या है यहां पर तीनों आंसर आ जाएंगे आपके हैं क्या कह रहे बच्चे बोथ वन एंड थ्री एंटीबॉडी एंटीजन नहीं बनाते हैं बताइए अभी तो समझाया कि बनाते हैं आपके एंटीबॉडी एंटीजन बी हेल्पर सेल टी हेल्पर सेल और भी उसमें बहुत सारी चीजें आपकी जो है उत्पादन की जाती है आपके शरीर की रक्षा करने के लिए तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा लिख लीजिएगा नेक्स्ट है आप लोगों का कि इनमें से कौन सी जो नशे होती हैं आंखों से कानों से जुड़ी है बताइएगा बताएंगे आप सभी बेसिकली इसका एक नाम होता है आप लोगों ने शायद सुना भी होगा या फिर हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगी आप मुझे बताएंगे यहां पर क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर फटाफट -फड़ से बताइएगा बच्चों क्या आएगा आपका यहां पर सही उत्तर सभी बच्चे जो है कोशिश करेंगे आंसर देने की जल्दी से तो देखिएगा यहां पर बहुत बढ़िया सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी शेयर कर देंगे अच्छे से रुक जाते हो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर वो नर्व्स जो आपके कनेक्ट करती हैं किसको भाई आई को एयर से ठीक है तो यहाँ पर अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो आपका सैरीबलम आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चे आपका सैरी बलम आ जाएगा लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली नर्व पूछ ले कि वो नर्व कौन सी है जो आपके जुड़े होते तो सैरी पार्ट में होती है आपकी वेस्टिब्यूल ठीक है भाई ओक्यूलर रिफ्लेक्स कहते हैं उसे यानी कि वी ओ आर के नाम से जाने जाती है किस नाम से आपकी वी ओ आर के नाम से जाने जाते लिख लीजिएगा ओक्यूलर रिफ्लेक्स लिखेंगे आप सभी ठीक है भाई वेस्टिब्यूल ओफ्लेक्स ठीक है लिख लीजिएगा इसको ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वेस्टिबल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स वी ओ आर कहते हैं ये कनेक्ट करता है आपकी आई को ईयर से ठीक है बच्चे तो ये एक नया क्वेश्चन लगा था मुझे मुझे लगा आपको कराना चाहिए तो मैंने आपको करा दिया है अब आपकी जिम्मेदारी है इसे अच्छे से समझना देखिएगा किस ब्लड ग्रुप को आप लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं बताएंगे आप सभी कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है आपका क्या होता है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है और कौन सा ब्लड ग्रुप आप लोगों का यूनिवर्सल अटर होता है फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती हूं बताइएगा कि जो आपका ब्लड ग्रुप है ठीक है भाई इस ब्लड ग्रुप को किसने इन्वेंट किया था ब्लड ग्रुप ए बी को किसने इन्वेंट किया था ये बताइएगा तो ध्यान से ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ठीक है भाई विलियम हार्वे लेकिन जब आपसे पूछ ले क्या ब्लड ग्रुप तो काल का नाम आता है लेकिन अगर आप लोगों से यहां पर उसने भी पूछ ले कि बताइएगा ए बी ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था तो कास्टेलो एंड स्टर्ले मैंने आपको नाम बताया डि कास्टेलो एंड स्टर्ले इनका नाम याद रखेगा इन्होंने जो है आपका आ, इन्वेंट किया था याद रखेंगे आप सभी और यहां पर आपसे क्या पूछा गया है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप तो क्या जाएगा आप लोगों का यहां पर ओ आंसर आ जाएगा सभी बच्चों ने ओ आंसर दिया है बिल्कुल सही बात है आप लोगों की क्या आंसर आ जाएगा आपका यहां पर ओ जो होगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा लिख लीजिएगा क्या आ जाएगा बच्चे आपका ओ जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा डोनर यानी कि ये जो है अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है ए वाले को भी ए बी वाले को भी ए बी वाले को भी ओ वाले, वाले को भी असेप्टर कौन सा होता है ए बी होता है ये सबसे ले सकता है ठीक है भाई चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का है आपका ए से भी ले सकता है आपका बी से भी ले सकता है आपका ए बी से भी ले सकता है आपका ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से भी ले सकता है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा और किस दुनिया में रह रहे हो आप ये बताइए कहा रहते हो आप किस दुनिया में हो जाके चेक कर लेना अगर किसी ने चेक ना किया हो इसकी पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी क्लास के बाद ठीक है भाई देखिएगा आप सभी यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द बीपी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसे कौन सी ग्लैंड जो है बच्चे आपकी कंट्रोल करती है बताइएगा देखिए अब मैं आपको कुछ ग्लैंड बताती हूँ एक होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है भाई यहाँ पर लिखा भी होगा पिट्यूटरी नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा ऑप्शन में क्या नाम बताया मैंने आपको पिट्यूटरी ठीक है तो यहाँ पर आप सभी लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे पूछेगा बताइएगा क्या काम करती है तो ये आपका ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं भाई रेगुलेट करती है तो ये आपके ग्रोथ को आप बोने रहेंगे या फिर आप अमिता बच्चन बनेंगे यानी कि लंबू रहेंगे ये सारी चीजें आपके कहा से कंट्रोल होती है यहां से होते याद रखेगा ठीक है बच्चे याद रखेंगे आप सभी याद रखेगा ठीक है इसके अलावा ये आपके एसी का भी काम करते हैं उसे कंट्रोल करने का और भी काफी सारे काम करती है लेकिन मेनली आपका इसका ये होता है एक होती है आप लोगों की पाइनल ग्लैंड होती है वो क्या करती है आपको डिप्रेशन हो जाना नींद ना आना ये सारे की सारी जो चीजें हैं आपकी वहीं से क्या होती है रेगुलेट होती है याद रखेगा ठीक है बच्चे फिर होते हैं आप लोगों की थारॉयड ग्लैंड तो आप लोगों ने सुना होगा जॉइटर हो जाता है आप लोगों का आयोडीन की कमी से तो वो आपका वो कंट्रोल करता है ठीक है भाई ब्लड प्रेशर लगा लीजिएगा हाई रेट ऑफ आपका जो है रेस्पिरेशन लगा लीजिएगा ये सारे की सारी चीजें कौन रेगुलेट करती है आपकी तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका एडर्नल ग्लैंड कौन से भाई एडर्नल ग्लैंड आ जाएगा लिख लीजिएगा बीपी अगर आपसे पूछ ले ठीक है भाई तो ज्यादा एडनलिन बन जाता है आपका तो क्या हो जाता है आपका बीपी क्या हो जाएगा यहां पर हाई uh, बीपी हो जाता है हाइपर uh, आपका जो है टेंशन जिसे आप कहते हैं ये आपका जो है रेगुलेट करता है पेनक्रियाज क्या करती है आपकी इंसुलिन ठीक है भी आप सभी जानते हैं इंसुलिन सीक्रेट करती है और डायबिटिक यानी कि डायबिटीज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है क्या आपका पेनक्रियाज ठीक है याद रखेंगे एक टेस्टिस होती है एक आपकी ओवरी होती है वो भी आपके अलग अलग, अलग रिप्रोड्यूसिंग जो आपके हार्मोन्स है उनको रेगुलेट करते हैं टेस्टिस्टूर आपका टेस्टिस से रिलीज होता है ओवरी से आपका एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्ट्रोन ठीक है तो ये जो है आपके काम होते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बताइएगा सेशन को शेयर कर देंगे भाग के लिए जाएंगे कि बताइएगा मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि मानव शरीर की जो मास्टर ग्लैंड है वो किस ग्लैंड को कहा जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपकी मास्टर ग्लैंड कहलाते याद रखेगा क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड के एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करती है ठीक है भाई तो याद रखेंगे आप सभी इनमें से किस प्रक्रिया में सीओटो इन्वो, इवोल्व नहीं होता है आपको यह बताना है यानी कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया में आपका सीओ टू नहीं बनेगा कंबशन जब आप कुछ जलाते हो ठीक है भाई आपने कुछ जलाया तो उसमें क्या होता है सूट होती है धुआं होता है आप सभी जानते हैं उसमें क्या होती है आपकी सीओ टू हाँ जी बिल्कुल होती है ये तो बिल्कुल सही है रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ठीक है तो आप क्या लेते हो आप क्या लेते हो भाई ऑक्सीजन लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो भी हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ा होगा तो बताइए फोटोसिंथेसिस में आपका इवॉल्व होती है कि नहीं होती है जल्दी से बताइए फोटोसिंथेसिस के बारे में जल्दी से बताएंगे आप सभी ठीक है भाई तो यहां पर आपका क्या आंसर आ जाएगा बच्चे कह रहे हैं मैम सी आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है कोई इवोल्यूशन नहीं होता किसमें आपके फर्मेंटेशन में क्या फर्मेंटेशन आंसर दे रहे हो बच्चे तो बच्चे कह रहे हैं हमारे यहाँ पर मैम जी फर्मेंटेशन आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर लिख लीजिएगा क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर फर्मेंटेशन जो होता है आपका ठीक है भाई जैसे आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है आप लोगों की वाइन्स uh, बनाई जाती है उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें जो है आपका यहाँ पर राइट right आंसर आ जाएगा लिख लीजिएगा ठीक है जी बताइए यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बता दीजिएगा थोड़ा सा शेयर करके से तीन तक खींच दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको तो अच्छा लग ही रहा होगा या फिर नहीं लग रहा तो आप बता सकते हैं अगर अच्छा ना लग रहा हो है अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा सेशन ठीक है तो नलाए को एक बात बताओ फर्मेंटेशन कह रहे हो आप लोग तो उसमें तो आपका सीओ टू इवॉल्व होता ही है भाई फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं पौधों को क्या देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे क्या रिलीज करते हैं नहीं आया समझ में देखिए मैं आपको आ, इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे सबका आंसर लगभग लग गलत है सभी का गलत है और तुम अपने साथ मेरे भी दिमाग मुझे लगता है वो कर देते हो मुझे भी सिक्स सी होते हैं आप लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं पौधे लेते हैं हमसे ठीक है भाई पानी देते हैं पौधों को ठीक है सनलाइट होती है आप लोगों की आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल भी होता है उनमें तो वो क्या बनाता है सी सिक्स बनाता है और साथ में पौधे क्या जनरेट करते हैं आपके ऑक्सीजन देते हैं सिक्स ओ टू तो फोटो सिंथेसिस में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं आपका CO2 नहीं बनता है, है सीओ टू तो नहीं, नहीं बनता है याद रखेगा जब आप कुछ जलाओगे उसकी भी मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ आपने कुछ जलाया मान लीजिएगा कोई भी ईंधन है आपके पास में आपने कोई फ्यूल जलाया और वातावरण में क्या होती है जलने के लिए कोई भी चीज जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की तो फ्यूल के साथ ऑक्सीजन को हमने जलाया तो क्या बनेगा सीओ टू प्लस एस टू बनेगा याद रखेगा इसमें भी आपका सीओ टू बन गया ठीक है भाई सेकंड नंबर पे था रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं सीओ टू तो इसमें तो आपका हो ही जाता है सीओ टू हो गया सीधा सीधा है अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हुई फर्मेंटेशन में कि फर्मेंटेशन आपका क्या हो जाएगा तो फर्मेंटेशन में आपकी मान लीजिएगा इथेनॉल है आपकी कोई इथेनॉल है आपकी ठीक है और इसमें जो है आपने जब ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या बनाएगी वो आपकी एसिटिक एसिड और उसमें क्या होता है आपका याद रखेगा उसमें जो है आपकी फॉर्म होती है किसकी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा बच्चे सीओ टू तो बनता है तो यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस आंसर आएगा समझ में आया कि नहीं आया सीओ टू का मतलब है नलायकों की सीओ टू बनती है ठीक है भाई बनती है सीओ टू का विकास यानी कि सीओ टू बनेगीवोल नहीं पूछा है कि उसमें यूज होते नहीं होते रिएक्शन में उसमें बनेगी प्रोडक्ट उसमें सीओ टू होता है कि नहीं होता है ये पूछा है आप लोगों से अब दिमाग खुला कि नहीं खुला प्रोडक्ट सीओ टू बनेगा कि नहीं बनेगा ये पूछा है पेपर में ऐसी ही गलतियां करते हैं आप लोग छोटी छोटी बताएंगे कि सोलह में कोशिका की खोज किसने की थी उत्तर दीजिएगा सेल को किसने डिस्कवर किया था यह आप लोगों से पूछा गया बताएंगे आप सभी बताइएगा जो सेल है आप लोगों का उसे किसने जो है आपका डिस्कवर किया था आप लोगों ने सेल की थ्योरी भी पढ़ी होगी काफी सारी चीजें पढ़ी है तो सेल के बारे में बताइएगा सेल इज द आपकी जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी ठीक है भाई हमारी जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट भी आपकी सेल ही होती है और रॉबर्ट हुक ने जो है आपके सेल को डिस्कवर किया था याद रखिएगा लकड़ी की छाल से आप सभी जानते हैं फ्रॉम द दर्क ऑफ द वुड आपका जो है सेल को डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा तो आपके सेल में क्या होता है बच्चे न्यूक्लियस होता है तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था तो आप बताएंगे न्यूक्लियस को किसने जो है आपका डिस्कवर किया था बताएंगे सभी जो आपके सेल में न्यूक्लियस होता है देखिए जो सेल होती है इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस को किसने जो है आपका डिस्कवर किया था ये आपसे पूछा है तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन करके क्या नाम है जिसका रॉबर्ट ब्राउन नाम था तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन आ जाएगा लिख लीजिएगा क्या आ जाएगा बच्चे रॉबर्ट ब्राउन ठीक है जी लिख लेंगे आप सभी लिख लीजिएगा इसको ठीक है चलिए अगला है आपका कि वसा को बचाने वाले एंजाइम का नाम बताइएगा तो ये जो है आपके जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अगर मैं आप लोगों से पूछू कि आपका जो डाइजेशन होता है ठीक है भाई उसमें अलग अलग हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपको ये बताना है कि बताइएगा इनमें से कौन सा जो है वसा को वो करने के लिए डाइजेस्ट करने के लिए हार्मोन होता है बताइए आप सभी आंसर देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या आएगा आपका यहां पर राइट आंसर कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में यूज होते हैं जल्दी से बताओ और सेशन को शेयर कर दीजिएगा ठीक है भाई जल्दी से बताएंगे वस्थ वस्थ आप सभी एंजाइम एंजाइम्स होते हैं हॉर्मोन्स एंजाइम्स कौन कौन से हैं जो आपके यूज होते हैं डाइजेशन में जल्दी से बताइए और शेयर कर दीजिए इसे फटाफट से एंजाइम्स पूछे हैं चलिएगा ये बताइएगा कि आपका जो डाइजेशन है पाचन है शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है आप कहां से पाचन क्रिया शुरू करते हैं और कहाँ पर आपका जो है पाचन खत्म हो जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है बताइएगा सभी आंसर देंगे यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा फटाफट आंसर देंगे आप सभी बताइए तो देखिएगा लाइपेज होता है सुक्रेज होता है माल्टेज होता है फ्रक्टोज होता है बच्चों का आंसर आ रहा है ए बी सी डी मतलब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो देखिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रक्टोज सुक्रोज सुज ये सारे के सारे जो है आपके अः किसमें काम करते हैं आपके आ, सुगर्स को आ, ब्रेक डाउन करने के लिए जो है आपका काम करते हैं यहाँ पर आपके आप आपसे जो बेसिकली पूछा गया है वो किसके लिए फैट के लिए पूछा गया है तो क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान लगाओगे फ्रक्टोज किस पे काम करेगा सुगर पे काम करेगा है ना किस पे काम करेगा सुगर पे काम करेगा तो यहाँ पे आपका लाइपेज आ जाएगा क्या आ जाएगा लाइपेज माल्टेज सुगर के लिए फ्रक्टोज सुगर के लिए ये सभी आपके सुगर वाले हैं तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर लाइपेज आएगा याद रखेगा अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से आपके हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ देखेगा अगर आपसे सुगर के लिए पूछे तो जो प्राइमरी आपका होता है वो होता है आपका अमाइलेज ठीक है भाई अमाइलेज एंजाइम आपका सुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है भाई? उसके बाद में प्रोटीज होता है आपका प्रोटीज आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक होता है आप लोगों का यहाँ पर लाइपेज आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए तो तीन प्रकार के जो है आपके यहाँ पर हमने हारमोन्स की बात की है याद रखेगा ठीक है तो याद रखेंगे आप सभी सब कहां से शुरू होता है आपकी बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है याद रखेगा ठीक है भाई बक्कल कैविटी खत्म कहां पर होता है आपकी आंत में खत्म हो जाता है जितना भी आपका डाइजेशन होना है वो छोटी आंत में हो जाता है उसके बाद कोई डाइजेशन का प्रोसेस आपका नहीं होता उसके बाद में हम उसे ऑब्जर्व करते एनर्जी जो हम लेते हैं ठीक है भाई तो बक्कल कैविटी से कहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो, जो लार्ज लिख रहा है वो गलत लिख रहा है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है

सभी आग के लिए अगर कोई भी आपकी आग लग जाती है तो कौन सी गैस आपकी सुरक्षित होती है उस आग के लिए बताएंगे आप सभी तो क्या होता है जो आपके फायर एक्सटिंग होते हैं उनमें क्या कौन सी गैस होती है बताइए कौन सी गैस होती है बताएंगे आप सभी शेयर कर दीजिए भाई सारे सारे के सारे नाविक जो हमारे यहाँ पर है ठीक है भाई सभी के सभी जो हमारे यहाँ पे नाविक बच्चे हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी जानते हैं सीओ टू फायर एक्सटिंग होते हैं आप लोगों के जो यूज किए जाते हैं है ना वो क्या करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं और आग क्या हो जाती है आपकी बुझ जाती भुझ जाती है ठीक है बच्चे इस वजह से तो याद रखिएगा आप सभी बताइएगा कि दही के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है अगर आपको दूध से दही बनानी है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है ये आपको बताना है उत्तर दीजिए क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर दूध से दही बनती है दूध है आपका और क्या बनी आपकी दही ठीक है भाई तो इस प्रोसेस में आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस ओरिया या फिर आपका बेसिलस रेडिकोला बताएंगे आप सभी कि दूध से दही की प्रक्रिया जो है ठीक है उसमें जो है आपका कौन सा एसिड होता है उत्तर दीजिएगा अगर मैं आपसे बात करूंगी यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि आपके दूध में कौन सा एसिड होता है तो आप सभी कहेंगे कि मैम दूध में लैक्टिक एसिड होता है कौन सा होता है आपका लैक्टिक एसिड होता है तो यहां पर कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है आपका याद रखेगा एसिडोफिलस इसका जो है आपका प्रयोग किया जाता है दूध यानी कि दूध से दही में जब का कन्वर्टेशन होता है फॉर्मेशन होती है दूध से दही की उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है आपका बच्चे लैक्टोबैसिलस, लिख लेंगे आप सभी लिख लीजिएगा ठीक है लैक्टिक एसिड होता है वहीं से आपका नाम बना है याद रखेंगे आप सभी ठीक है भी तो लिख लीजिएगा इसको ठीक है लिख लेंगे आप सभी बढ़िया से नेक्स्ट है आप लोगों का कि नींबू में कौन सा अमल पाया जाता है देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी कराए थे आप मुझे बताएंगे नींबू में कौन सा एसिड होता है आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि आप लोगों के जो साइट्रस uh, फ्रूट होते हैं ठीक है भाई इनमें जो है आपका कौन सा एसिड होता है आपकी जो इमली होती है इमली में कौन सा एसिड होता है आपके टमाटर में टमाटर में कौन सा एसिड होता है जो आपकी चीटी रेड चीटी रेड आंट, जो आपको काट जाती है उसमें कौन सा एसिड होता होता है है आपके विनेगर में क्या होता है? उत्तर दीजिएगा सभी बच्चे आंसर देंगे ये पांच सात ऐसे नाम होते हैं आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट है ठीक है भाई तो ये जो है आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं आपको पता होना चाहिए तो विनेगर में क्या होता है आपका एसिटिक एसिड होता है क्या होता है भाई आपका एसेटिक एसिड होता है मैंने आप लोगों को काफी बार लिखवाए हैं सारी की सारी चीजें कई बार पिछले क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा जो रेड आंट होती है लाल चीटी ठीक है भाई जब वो काट के जाती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है यही तो सब तो पढ़ाया आप लोगों को या नहीं पढ़ाया एसेटिक एसिड होता है ठीक है भाई इनमें आपका सीट्रिक एसिड होता है इनमें जो है इमली में आपका टेमरिंड होती है टाटरिक आ जाएगा आप लोगों का और जो आपका टमाटर होता है ओग एसिड होता है कौन सा ऑक्जैलिक है लाल चिट्टी काट जाएगी फॉर्मिक एसिड होता है याद रखेगा कौन सा आ जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड आ जाएगा यहां पर नींबू का पूछा है तो क्या आंसर आना चाहिए आपका बी आंसर आ जाएगा सेब में कौन सा एसिड होता है आपका आप मुझे बताएंगे कि आपके एप्पल में एप्पल माने सेब में सेब में जो है आपको कौन सा एसिड मिलेगा सभी यहां पर आंसर देंगे कि एप्पल में कौन सा जो है आपका एसिड होता है बताइएगा एप्पल एप्पल माने सेब सेब में कौन सा होता है बहुत बढ़िया थोड़ा सा और शेयर कर दीजिएगा तो एप्पल में जो है आपका मैलिक मैलिक एसिड होता 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 है 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 कौन सा बच्चे याद रखिएगा पक्का एक क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों का किसी ना किसी शिफ्ट में बने जाएगा तो ये सारे के सारे आप सभी याद रखिएगा जो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड होता है आप लोगों का उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपके फोसिल फ्यूल्स होते हैं है ना भाई पता लगाया जाता कितने वर्षों पुराने हैं ठीक है थीके? तो वहां पर रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है किसका पता लगाने के लिए मनुष्य की आयु जी नहीं जीवाश्मों की आयु बिल्कुल सही लिखा है ना रोग ना धातुओं की शुद्धता तो क्या आंसर आएगा जबकि फोसिल फ्यूल्स है उनकी एज को कैलकुलेट करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग मैथड का प्रयोग किया जाता है ठीक है भाई आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइएगा रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो आप मुझे बताएंगे कि जो आपका रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड होता है उसमें जो है आपका क्या प्रयोग किया जाता है उत्तर दीजिएगा तो आप सभी जानते हैं सी फोर्टीन का कार्बन फोर्टीन का जो है आपका इस्तेमाल होता है अगर आप लोगों से पूछ ले तो सिर्फ इतना याद रखेगा इसमें आपके सी फोर्टीन का कुछ रूल होता है याद रखेंगे आप सभी ठीक है बच्चों लोहे में जंग लग जाना किसका उदाहरण होता है बताइएगा आपने देखा होगा कि लोहे में क्या लग जाता है आपका क्या लग जाता है जंग लग जाता है उसे आप सभी क्या कहेंगे बताइए क्या कहेंगे आप सभी लोहे में क्या लग गया जंग लग गया तो उसे आप सभी क्या कहते हैं बताएंगे आप सभी और उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है ये बताइएगा तो देखिएगा जब आयरन होता है जब लोहा आप लोगों का मॉइस्चर के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पर उसे क्या मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी मॉइस्चर मिलेगा तो यानी कि आपका आयरन जब रिएक्ट करता है किसके साथ मॉइस्चर के साथ, है? के साथ है। ठीक है भाई यानी कि आपके आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है आपकी ऑक्सीडेशन हो जाता है क्या हो जाता है आपका आयरन का ऑक्सीडेशन और क्या लग जाती है जंग लग जाता है परत आ जाती है ऊपर तो जो लेयर लेयर होती होती है है वो किसकी आयरन ऑक्साइड की किसकी आपकी आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है इसीलिए इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है आपका एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे आप सभी क्या कहते हैं गैलमेशन कहते हैं लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए बचाने के लिए गैलवनाइजेशन किया जाता है जिसमें किसकी लेयर चढ़ाई जाती है जिंक की लेयर जो है आपकी चढ़ाई जाती है याद रखिएगा जिंक की परत होती है पेंट वगैरह करते हैं आप लोग ठीक है भाई तो यहां पर याद रखेंगे आप सभी है ना क्या याद रखेंगे कि यह आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है आयरन ऑक्साइड बनता है गैलवनाइजेशन किया जाता है जिससे कि लोहे में जंग ना लगे ठीक है भाई तो ये भी आप लोग याद रखेगा दूध का पीएच क्या होता है औसत पीएच आप लोगों से पूछा है तो पीएच मैंने आप लोगों को सभी सब्सटेंसेस के लिखवाए हैं लेकिन आप लोगों ने कुछ चीजें जैसे कि पीएच का आ, किसने जो है पीएच को डिस्कवर किया था अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि पीएच को किसने जो है आपका डिस्कवर किया था तो आप क्या कहेंगे मुझे सोरेन Soren, सोरेन्सन नाम है आप सभी जानते हैं ठीक है भाई लिख लीजिएगा इन्होंने जो है आपके पीएच को डिस्कवर किया था ठीक है बच्चे और पीएच आपका एक कह सकते हैं आप सभी एक वे है एसिडिटी का पता लगाने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस जो आपका कितना एसिडिक है या फिर आपका कितना बेसिक है ठीक है बच्चे तो एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पेपर में पीएच मीटर को किसने

दूध की बतानी है आप लोगों को है ना मुझे लगा ब्लड की पूछी गई है है ना दूध की पूछी है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स आप मुझे बताइएगा कि जब का ब्लड होता है ब्लड का पीएच कितना होता है उत्तर दीजिए सभी आंसर देंगे यहाँ पर मतलब एवरेज आप लगा लीजिएगा सिक्स पॉइंट सिक्स से लेकर के सिक्स पॉइंट नाइन तक आपका जो है क्या कर सकता है आपका वेरी कर सकता है पीएच किसका भाई आपका यहाँ पर मिल्क का ठीक है बच्चे तो आप सभी जो है आप इसको याद रखेंगे अच्छे से अच्छे से आप सभी इनको याद रखेगा ये पीएच वैल्यूज होती है आपके आंसू जो आप रोते रहते हैं सिलेक्शन नहीं आया तैयारी नहीं है पेपर के बाद जो आंसू निकालोगे उनकी पीएच कितनी होती है आंसू को भी टेस्ट किए कैसे होते हैं तो मुंह में जब आंसू जाते हैं तो कैसे लगते हैं सेवन पॉइंट फोर पीएच के आंसू होते हैं तुम बताओ कैसे लगते हैं ठीक है भाई स्लाइवा तो साढ़े छ से साढ़े सात के बीच में स्लाइवा की आपकी क्या होती है पीएच वैल्यू होती है स्लाइवा की कितनी होती है आपके साढ़े छ से साढ़े सात ठीक है बच्चे तो इस प्रकार से आपको ये जो पीएच वैल्यूज है थोड़ी बेसिक बेसिक ये आपको पता होनी चाहिए जो यूरिन होता है साढ़े पांच से साढ़े सात पीएच होती है यूरिन की कितनी होती है साढ़े पांच से आप साढ़े सात लगा लीजिएगा इसके बीच में जो आपकी वेरी करते फिक्स नहीं होती आसो की सेवन पॉइंट फोर रहती है याद रखेंगे आप सभी ब्लड की सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फाइव रहता है ठीक है ब्लड देखो अब आप लोग ऐसे अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो पी वैल्यू है ना आप लोगों की अगर वो बिल्कुल जैसे जीरो वन टू थ्री है यानी कि आपका बहुत ज्यादा क्या है आपका एसिडिक है सेवन या फिर सेवन से ज्यादा है फोर्टीन तक यानी कि वो बेसिक है तो ब्लड इतना एसिड नहीं होगा ना जल जाएंगे हम अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है साढ़े तीन से मतलब साढ़े सात के आसपास ठीक है बच्चे इस प्रकार से आप लोग इसे याद रख सकते हो याद रखेगा पारे का और कौन सा होता है बताइएगा और होते हैं आप सभी जानते हैं अयस्क होते हैं ठीक है ये मैं आपको तो, कल कराऊंगी और वगैरह कि कौन सा और हमें कहाँ से मिलता है कौन सा और किसका है आपको ये बताना है कि जो आपका मरकरी का ओर होता है वो कौन सा है उत्तर दीजिएगा ठीक है भाई बताएंगे आप सभी कि इनमें मरकरी का जो ओर है वो कौन सा है बताइए मरकरी आपके लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर आप सभी जानते हैं ठीक है बच्चे और यहाँ पर सीनावार जो होगा आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर आ जाएगा लिखेंगे आप सभी ठीक है भाई क्या आ जाएगा आपका ए आंसर आ जाएगा लिख लीजिएगा जो मरकरी की वजह से मरकरी का पॉल्यूशन अगर हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है उस बीमारी को क्या कहते हैं आप सभी मीना माता डिसीज कहते हैं लिख लीजिएगा ठीक है भाई ये आपकी एक डिसीज हो जाती है मरकरी की वजह से तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है इसको भी आप सभी लिख लेंगे ठीक है लिख लीजिएगा बताएंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वो एनेस्थीसिया से बचने के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लाफिंग गैस देते हैं तो लाफिंग गैस कौन सी होती है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एनेस्थिया जो लिखा हुआ है वर्ड वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ठीक है भाई तो इसका जो है आप कह सकते हैं जब आपकी कोई सर्जरी होती है तो क्या होता है दर्द होता है तो हम ये तो कहेंगे नहीं किट ले हाथ कर दे सर्जरी तो क्या देगा आपको कुछ एक दवाई वगैरह आपको दी जाती है जिससे कि आपका दर्द वगैरह आपको ना हो तो उन मेडिसिन को आप क्या कहते हैं लिख लीजिएगा एनेस्थीसिया कहते हैं लिखेंगे आप सभी तो लाफिंग गैस आपके प्रयोग की जाती है तो इनमें से कौन सी आपकी लाफिंग गैस है ये आपको बताना है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक होती है आपकी टीयर गैस एक होती है आपकी लाफिंग गैस मुझे दोनों के केमिकल नाम बताइए दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज बताइए कि आप लाफिंग गैस किसे कहेंगे बच्चे आप टीयर गैस किसे कहेंगे सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे लाफिंग गैस कौन सी होती है टीअर गैस आपकी कौन सी होती है बताइएगा <laughs> और सेशन को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा आप सभी बच्चे मिलकर के सेशन को शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है लेकिन अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड ऐसे ना मिले तो आपको किस रूप में मिलेगा एन ए टू ओ एन टू ओ अगर आपको लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा नाइट्रस ऑक्साइड की बात बच्चे यहां पर की गई है किसकी बात की गई भाई आपकी नाइट्रस ऑक्साइड की और टीयर गैस कौन सी होती है बताएंगे आप सभी मतलब टीयर गैस बताओगे कि नहीं बताओगे टीयर गैस का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आप लोगों को क्या होता है आप लोगों का क्वेश्चन है आपसे ही बताएंगे कि टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है आगे चलती हूँ आप लोगों से ठीक है आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हो भाई मतलब आप लोग ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हो टीयर गैस मैं वेट कर रही हूं आंसर आएगा एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा वाह वाह बच्चों वाह क्लोरोपिक्री नहीं लिखवाया था मैंने ऐसे करके कुछ नाम आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा हो जाएगा परेशान मत होइए ट्राई करते रहिए और अगर आपसे ना हो रहा हो तो कैफे वगैरह चले जाना बाहर चले जाना और वहां से करा लेना तो वो लोग क्या कर देते हैं है ना कर ही देंगे उनकी थोड़ा समझा करो हो जाता है ठीक है हो जाएगा तुम्हारा भी जुगाड़ तो आप लोग वहां से करा लीजिएगा ठीक है परेशान मत होइए जिसका नहीं हुआ उसका भी हो जाएगा बस आप लोग आज साइबर कैफे जाके उसे करवा लीजिएगा ठीक है बच्चों बताएंगे आप सभी क्या होता है बताइएगा और यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन सा भू पर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो, है देखिए ये हमारी अर्थ है ठीक है तो आपसे ये पूछा गया कि जो अर्थ के क्रस्ट होती है अर्थ के लेयर्स होती है क्रस्ट मेंटल कोर तीन लेयर है ना पहली होती है आपकी क्रस्ट जो सबसे ऊपरी होती है फिर होती है आपकी मेंटल और एक होती है आपकी कोर ये तीन लेयर पढ़ते हैं तो क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व आपको मिलेगा ये आपसे पूछा गया है उत्तर दीजिएगा क्या जाएगा आप लोगों का यहां पर राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे कि अर्थ की क्रस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा बताइए जल्दी से कि जो आपकी अर्थ होती है आप भी सेशन को शेयर कर देना बेटा आर्थ की क्रस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए मतलब कौन सी जो है आपकी सबसे अधिक पाई जाती है बताएंगे आप सभी बताइए कौन सी मिलेगी आपको अधिक बता नहीं मेरा कौन सा फोन है भूल जाती ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम सिलिकन तो यहां पे बच्चे कह रहे कि मैम अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन हमें अधिक मात्रा में मिलता है तो देखिए ऐसे ना कुछ क्वेश्चन आते फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वायुमंडल है हमारा जो वातावरण है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है उत्तर दीजिए चलिए बताइए वायुमंडल में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है आप सभी बताएंगे सबसे इजी क्वेश्चन है आप सभी जानते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस पढ़ा होगा आप लोगों ने कौन कौन सी गैसेस होती हैं बताएंगे आप सभी कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस जो है आपको बच्चे सबसे अधिक पाई जाती है उत्तर दीजिए तो आप सभी का क्या आना चाहिए यहां पे आंसर आना चाहिए तो देखिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा आ जाएगा आपका यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो यहां पे तो आपका ए आंसर आ जाएगा जब हम बात करेंगे वायुमंडल की तो नाइट्रोजन गैस आपको सबसे अधिक मिलती है कौन सी मिलती है आपको नाइट्रोजन मिलती है तो यहाँ पे आप सभी नाइट्रोजन लिख लेंगे लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स का सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा तमीज से लिख देती हूँ अच्छे से ठीक है भाई लिख लीजिएगा आप सभी लाइटेस्ट एलिमेंट तो कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चे हाइड्रोजन होता है आपका लाइटेस्ट एलिमेंट ठीक है भाई लिक्विड मेटल बताया मैंने आपको मरकरी होता है ठीक है भाई और आपका जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्लोरिन होता है तो ये कुछ चीजें आती है आपकी ठीक है हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट आपको सबसे अधिक मिलेगा तो मेरे शरीर में ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक आपको क्या मिलता है बच्चे तो ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी क्या मिलेगा आपको बच्चों ऑक्सीजन जो है आपको सबसे अधिक मिलेगा लिख लीजिएगा तो ऑक्सीजन आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे अगला प्रश्न है आप लोगों का इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के हवास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था ओजोन के बारे में कि ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन डे भी हम लोग बनाते हैं ओजोन लेयर की रक्षा के लिए दिन आपका मनाया जाता है आप सभी जानते हैं आप सभी बताएंगे कब मनाया जाता है ओजोन लेयर प्रोडक्शन डे ठीक है भाई ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइएगा ओजोन का फॉर्मूला तो ओ थ्री होता है याद रखिए ठीक है और सबसे जो ओजोन लेयर में छेद है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है आप लोगों का तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा क्लोरो आ जाएगा सी एफ सी निकलती है आप जो ए सी यूज करते हैं उसमें भी और बाकी बहुत सारे चीजों में आपका फ्रिज होता है उसमें भी जो है आपका सी एफ सी होता है आप सभी जानते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा याद रखिएगा भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है बताइएगा सबसे पहले कौन सा यूज किया गया था यह आपको बताना है देखिए एस होता है जीएसएल होता है एस होता है इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं आपको यह भी मालूम होना चाहिए तो सभी बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे आप लोग ASLV क्या होता है क्या क्या होता है? SLV 3 क्या होता है है उत्तर दीजिएगा सभी बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए ए एस एल वी जीएसएल एस एल वी क्या होते हैं ठीक है तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है आपका एस एल वी क्या कहते हैं आप लोग इसे इसे आप लोग कहते सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो भारत ने सबसे पहले इनमें से कौन सा एस यूज किया था यह आपसे पूछा गया है ठीक है कब यूज किया था यह भी आपसे पूछ सकता है तो भारत ने सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च लौ, व्हीकल थ्री यानी कि एस एल थ्री का प्रयोग किया था लिख लीजिएगा कौन सा आपका एस एल जो है बच्चे आप लोगों का यहां पर यूज किया गया था पहले एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो थी आप लोगों की कौन सी थी बच्चे यहाँ पर एस एलविथ थ्री थी तो किसके द्वारा आपके इसरो के द्वारा अब इसरो के बारे में आप सभी बताएंगे मुझे क्या जानते हैं आप सभी क्योंकि स्टैटिक की चीजें हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे ठीक है लो अगला क्वेश्चन आपका इसरो ही आ गया इसका आंसर दीजिएगा बच्चे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर इसरो के बारे में आप सभी बताएंगे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर बताइए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा आप सभी का सभी आंसर देंगे सभी इसरो के बारे में कौन सा क्या पूछा आपसे सही नहीं है तो देखिए इसरो भारत की आप सभी जानते हैं पहला जो है आपका स्पेस रिसर्च सेंटर है बिल्कुल सही बात है इनको उस पहले नाम था विक्रम के द्वारा और कब में इसरो का गठन हुआ था यह भी आप लोग जानते हैं बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है वर्तमान इसरो के चेयरमैन कौन है यह आप मुझे बताएंगे बताइएगा क्या आएगा बच्चे आपका राइट आंसर ठीक है ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम सारा भाई इज नोन एज अ फादर ऑफ द इंडियन स्पेस बिल्कुल सही है पहले सैटेलाइट आ रही बट, थी बिल्कुल सही है इसरो का गठन उन्नीस में हुआ था जी नहीं ठीक है भाई इसरो रिपोर्ट टू तो डिपार्टमेंट ऑफ तो स्पेस इंडिया बिल्कुल सही तो यहां पर सी आपका गलत लिखा याद रखेगा उन्नीस में आपका बना था तो ये आपका गलत है इसे आप लिख लेंगे भारत की जो है आपके रिसर्च सैटेलाइट है याद रखेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑकर्स मोस्ट इंपॉर्डेंट इन यूनिवर्स मैंने अभी भी आपको बताया कि हमारे यूनिवर्स में सबसे अधिक आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा बताइए अभी अभी आपको लिखवाया था या नहीं लिखवाया जहां तक मुझे याद है मैंने लिखवाया था आप लोगों को बताएंगे आप सभी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर तो इस क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं होमवर्क क्वेश्चन ठीक है जी होमवर्क क्वेश्चन अभी आप लोगों की मैथ्स की क्लास आएगी फिर आप लोगों की रीजनिंग की क्लास आएगी और कल आप लोगों के लिए फुल मॉक टेस्ट चलेगा तो सुबह जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा आप लोग जरूर आइएगा दस पंद्रह से मैं आपको पंद्रह क्वेश्चन कराऊंगी जीके प्लस साइंस के शानदार शानदार बढ़िया बढ़िया जानदार तो आप सभी बच्चे जो है जरूर जरूर आएंगे सभी को आना है इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए जरूर जरूर आइएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा और डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे सेशन जो आपको कराया जा रहा है मैंने 20 से 21 क्वेश्चन कराए पहले मैं थ्योरी कराने वाले थे फिर मैंने चेंज किया कि आपके क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं की कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग अटके भी हो काफी सारे क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा वो एक वाला एक uh, वाला क्वेश्चन था, था तो कार्बन आप, लो तो आप लोगों की समझ जो है ऐसे विकसित हो जाए कि आप सही आंसर कर करके आए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास एंड शेयर कीजिएगा आने वाले मैथ्स की क्लास को भी तो मैथ्स की क्लास में सर ज्यादा से, ज्यादा बच्चे आएंगे कल वाले सेशन में धुआं धुआ पांच प्लस बच्चे जी कल वाले में सुबह फुल वॉक टेस्ट लगेगा बिल्कुल पेपर जैसा फील आपको आएगा तो जरूर आइएगा मिलते हैं आप लोगों से कल सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चे का आंसर चाहिए ठीक है जी मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत विजय तुम्हारी जरूर होगी